So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So आज हम लोग बात करने वाले हैं MCQ's के बारे में. आप सबको पता है कि MCQ's, ICAI ने MCQ's applicable किया है from May 19 exam onwards and that is both for old syllabus as well as new syllabus. अब जो MCQ's हैं वो चार papers में primarily applicable हैं, that is audit, law, DT and IDT, and MCQ's के का जो weightage है वो exam में 30 marks का है, 30% weightage MCQ's को allocate किया गया है. So primarily इस video के अंदर जो मैं बात करूँगा, that will be how to deal with the MCQ's, specially regarding my subjects, that is audit and law. तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वायरीज हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं कि सर अब जब MCQ's आ गया है तो हमारा पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, MCQ's आने के बाद हमारा पढ़ने का अप्रोच कैसे होना चाहिए, हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं. तो छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा. सबसे पहले सर MCQ आने के बाद हमारा पढ़ने का पैटर्न कैसा रहेगा, MCQ's आने के बाद हमारे पढ़ने के पैटर्न में क्या मेजर चेंजेस आएंगे क्या, पहली चीज़ जो पहला सवाल जो स्टूडेंट मुझसे पूछता है. तो भाई तुमको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो MCQ आने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस आ गया या कोई बहुत ही मेजर चेंज आ गया. ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो ICAI ने लिया है, जिसको हमें वेलकम करना चाहिए, राइट. MCQ's आने से डेफिनेटली आपके पढ़ने के पैटर्न में थोड़ा तो चेंज आएगा, बट ऐसा नहीं है कि इससे कोई मेजर चेंज आने वाला है. MCQ आने के बाद अब क्या होगा कि हम जब पढ़ाई करेंगे तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी अच्छी रहे. आर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी वेरी वेरी गुड. फॉर एग्जांपल मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं, ऑडिट की बात करूं, लॉ की बात करूं, तो अब क्या है कि भाई MCQ में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने पता होना चाहिए कि अजर्शन लेवल का मतलब क्या होता है, आपने पता होना चाहिए कि अकाउंट बैलेंस लेवल का मतलब क्या होता है, आपने पता होना चाहिए कि भाई कंट्रोल की जब डेफिशिएंसी रहेगी तो कौन सा रिस्क रहेगा, आपने पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट की तरफ से जब रिस्क रहेगा तो वो कौन सा रिस्क रहेगा. छोटी छोटी टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपके MCQ's में हेल्प करेंगे, राइट. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मस्ट बी देयर. दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, दूसरा चेंज क्या आएगा, पहले ऐसा होता था कि काफी सारे एरियाज को आप वहीं पढ़ लेते थे, ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते थे, बट अब उन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल टाइम लिमिट्स, पहले क्या होता था कि आपने लिख देते थे एग्जाम के अंदर कि प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, बट नाउ यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज MCQ के अंदर आपसे पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ डेज होंगे यहाँ पे, 30 डेज होगा, 45 डेज होगा, 60 डेज होगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कितना नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा सिचुएशन पे ऑडिट में कौन सा रिस्क की बात कर रहा है वो. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा केयरफुली बिटवीन द लाइंस आपको क्या करना है, MCQ's के लिए स्टडी करना है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पढ़ने का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा. काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई MCQ आ गया है यार, तब तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, अपने अब तो एक एक लाइन पढ़नी है, अब तो स्टडी मॉड्यूल का एक एक लाइन पढ़ना है. तो आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि डेफिनेटली वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती. अगर मैं तुम्हें बोलूँगा हाँ यार MCQ's आ गया, तो तुमको एक एक लाइन पढ़ना है सिलेबस का, तो यार तुमको एक सब्जेक्ट तो पढ़ना है नहीं, अल्टीमेटली यू हैव टू कवर अप 8 सब्जेक्ट्स. अगर कोई बच्चा एक ग्रुप भी दे रहा है तो उसको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, और टाइम तो आपके पास उतना ही है ना. ऐसा थोड़ी है कि इंस्टीट्यूट ने MCQ निकाल दिया तो आपके लिए टाइम इंक्रीज कर दिया, टाइम तो आपके पास उतना ही है, आपके पास वही 4-5 महीने प्रिपेयर करने को. तो अल्टीमेटली उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है. तो अगर आप सोचो कि मुझे एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन स्टडी करनी है, तो यार अपने पास इतना टाइम ही नहीं है, हम इतना टाइम दे ही नहीं सकते. वी हैव लिमिटेड टाइम फ्रेम, उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें पढ़ना भी है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें समझना भी है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें सिलेबस को रिवाइज भी करना है और एग्जाम्स को क्लियर भी करना है, राइट. तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि यस MCQ से पढ़ने का जो डेप्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है हमें, बट इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं है कि MCQ's आने की वजह से हमारा जो डिटेलिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा या हमें मॉड्यूल का हर एक लाइन भरना होगा, राइट. एरियाज अलॉटेड होते हैं, एज एक्सपर्ट्स हम भी ट्राई करेंगे कि एरियाज अलॉटेड होते हैं कि हम हाँ भाई यहाँ से MCQ बन सकता है, इस एरिया से MCQ बन सकता है, एंड उस स्मार्ट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स द लर्निंग ऑफ MCQ's, द फर्स्ट थिंग. Another thing I will like to say is that, yes, MCQ's are very important, indeed very important. Obviously, 30 marks का है तो MCQ's बहुत important है. But कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ observe किया. क्या observe किया? कि काफ़ी सारे students
इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा इंक्लाइंड है सब एमसीक्यूज के लिए कि कहीं ना कहीं शायद उनको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस में एमसीक्यूज के अलावा कुछ है ही नहीं. मतलब यार एमसीक्यूज ही करते जाओ बस. मैं ये नहीं बोल रहा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हम लोग इतना कुछ करने वाले हैं एमसीक्यूज को स्ट्रांग बनाने के लिए आप सोच नहीं सकते. टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं पोलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ एमसीक्यूज के लिए. हमारा जो पोर्टल है अपना मेंटर आपको सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला है. हम एमसीक्यू क्विज ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अपने पोर्टल के अंदर. ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू रिगार्डिंग एमसीक्यूज. सो दैट यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 30 marks का है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एमसीक्यूज ही है. तो मैंने क्या देखा है कुछ स्टूडेंट्स का ये मेंटेलिटी हो गया है यहाँ पे कि यार एमसीक्यू करते जाओ बस. 2000 क्वेश्चंस मिल जाए एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए, 2500 क्वेश्चन मिल जाए एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए और हम सिर्फ एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करते रहे. यार ये अप्रोच मत बना लेना, बुरा फंसोगे तुम. खुद सोच के देखो यार, अगर तुम सोचोगे कि मैं 2000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लूँ, मैं 2500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लूँ, इसका मतलब आप 50-60 घंटे तो सिर्फ एमसीक्यूज के प्रैक्टिस में लगा दोगे. क्या आपके पास उतना टाइम है? प्लस एमसीक्यूज कहाँ से बनेगा? अल्टीमेटली एमसीक्यू कॉन्सेप्ट से तो बनेगा. तो तुम्हारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए? तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट को स्टडी करना, कॉन्सेप्ट को पढ़ना, कंटेंट में एक्सपर्टाइज हासिल करना. यस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी चाहिए. मैं प्रोवाइड करूंगा आपको फ्री एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा. हमारा पोर्टल आपको सारे सब्जेक्ट के फ्री एमसीक्यूज प्रोवाइड करेगा, अपना मेंटर एमसीक्यू क्विज ऑर्गेनाइज करेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम सोचो कि 2000 एमसीक्यूज में करते रहूं बस. हमें यह समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली एमसीक्यू कितना भी बन सकता है, कितना भी बन सकता है और वो कॉन्सेप्ट ही बनने वाला है. तो हमारा जो फोकस होगा प्राइमा फेसी वो कॉन्सेप्ट कवर करने में होना चाहिए, वो कंटेंट कवर करने में होना चाहिए. राइट right. तभी भी आपका फोकस क्या होना चाहिए? कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट, नॉट द कवरेज ऑफ नंबर ऑफ एमसीक्यूज की मैं 5000 एमसीक्यूज कर लूँ. रैदर कॉन्सेप्ट को 5 बार रिवाइज करना है और फिर सेलेक्टिव नंबर ऑफ एमसीक्यूज साथ में प्रैक्टिस के लिए यूज करनी है. और एक और चीज दोस्तों याद रखना, MCQs इंपॉर्टेंट है मगर 30 marks का है आज भी, 70 marks आज भी डिस्क्रिप्टिव है. काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही गलत लाइन में जा रहे हैं, फोकस सिर्फ MCQ की तरफ जा रहा है, सिर्फ MCQ की तरफ. दोस्तों 100 marks का नहीं हुआ अभी MCQ. जब MCQs 100 marks का हो जाएगा ना तब सिर्फ MCQs के बारे में सोचना. आज भी 70 marks डिस्क्रिप्टिव है. और अगर तुम अपना माइंडसेट सिर्फ MCQ की तरफ ले जाओगे तो वो 70 marks का डिस्क्रिप्टिव में तुम पक्का मार खाने वाले हो, याद रख लेना. एंड यू नेवर नो कि 30 marks का MCQ कौन से जोन से आएगा. हो सकता है इसे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जोन से पूछ ले. और डेफिनेटली यार तुम भी इंसान हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें मॉड्यूल का हर एक वर्ड आता है, हर एक सेंटेंस आता है. तो अगर ऐसा हुआ तो तुम 70 marks का जो डिस्क्रिप्टिव एरिया है उसमें भी स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ MCQs की तरफ था. जबकि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि यार याद रखना MCQs जो है वो किसी भी कोने से बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, किसी भी कॉन्सेप्ट से बन सकता है. लेकिन 70 marks का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आज भी मोस्टली कहां से आने वाला है? प्रैक्टिस मैनुअल से आने वाला है, रिविजन टेस्ट पेपर्स से आने वाला है, मॉक टेस्ट पेपर्स से आने वाला है और कुछ 3-4 क्वेश्चंस नए ड्राफ्ट होंगे जो हर बार होता है. So that is something going to happen. So yes, MCQs are important. I'm again repeating, बिल्कुल ये मैं समझना कि सानिध्या सर का ये कहना है कि MCQs important नहीं है. बहुत important है MCQs और बहुत मेहनत करेंगे हम MCQs को लेकर, लेकिन सिर्फ MCQs important नहीं है, 70 marks का descriptive भी उतना important है. MCQs की प्रैक्टिस अपने को डेफिनेटली करनी है. मैं प्रोवाइड करूंगा आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, मगर याद रखिएगा कि MCQ 30 marks का है, 70 marks का डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आज भी मौजूद है और आज भी आपको 70 marks का डिस्क्रिप्टिव कंटेंट पे फोकस करना है. और 70 marks का डिस्क्रिप्टिव कंटेंट में मार्क्स स्कोर करने के लिए आज भी आपको कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन में फोकस करने की जरूरत पड़ने वाली है. तो काइंडली डोंट इग्नोर प्रेजेंटेशन पार्ट एज वेल. राइट, आप प्रेजेंटेशन पार्ट भी बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा अगर आपने अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है. राइट, अगर आपने अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है. अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर? हाउ वी आर गोइंग टू असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ MCQs. मैं सिर्फ MCQs नहीं बोलूंगा, छोटा शब्द है, रादर मैं बोलूंगा हाउ वी आर गोइंग टू असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट एंड लॉ. दैट इज 30 marks ऑफ MCQ एंड 70 marks ऑफ डिस्क्रिप्टिव कंटेंट. तो भाई सबसे पहले November 18 तक जो भी एक्टिविटीज हम लोग साथ में करते थे वो एक्टिविटीज मई 19 के लिए भी रिज्यूम करने वाली हैं. जैसे कि रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, आपके सपोर्ट में उसे बहुत ही पॉपुलर बनाया है. तो रिविजनरी वॉइस क्लिप्स अगेन वी आर गोइंग टू रिज्यूम फॉर मई 19. इस बार रिविजनरी वॉइस क्लिप्स सारे के सारे नए बनेंगे, सारे के सारे नए डिवाइस होंगे और रिविजनरी वॉइस क्लिप्स को भी MCQs को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए दोबारा से बनाया जाएगा. ज्यादा अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ MCQs को डिजाइन किया जाएगा. राइट, रिविजनरी वॉइस क्लिप को डिजाइन किया जाएगा.
उसके अलावा रिविजनरी वॉइस क्लिप्स के अलावा आप समझ सकते हो रिविजन चार्ट्स, रिविजन PDFs, रिविजन वीडियोस, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है. ऑल ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट इन माई टेलीग्राम चैनल. उसके बाद जो अपना पोर्टल है अपनामेंटर.com, तो ये जो अपना mentor.com है, जो पोर्टल है, दिस इज माई ड्रीम, माई विजन कि सारे स्टूडेंट्स को एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिले जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके. तो ये जो एजुकेशनल पोर्टल होगा अपनामेंटर.com, इस पोर्टल के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के फ्री MCQ's मिलने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री MCQ's ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. सिर्फ फ्री MCQ's ही नहीं मिलेगा, रादर हम MCQ'S सेक्शन बनाएंगे, एक MCQ game सेक्शन बनाएंगे जहां पे हर सब्जेक्ट का आप नॉलेज टेस्ट कर सकते हो अपना MCQ quiz खेलकर. और ये सारी सर्विसेज January 19 से अवेलेबल होंगी एट आर पोर्टल अपनामेंटर.com. इसके अलावा बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, सारे सब्जेक्ट के फ्री रिसोर्सेज आपको अपनामेंटर.com में मिलेगा. प्लस हर एक स्टूडेंट जो लैक करता है, बहुत ज्यादा लैक करता है एग्जाम के अंदर, वो करता है बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता, बिकॉज उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, बिकॉज CA में आने के बाद हमने उस राइटिंग स्किल्स में फोकस नहीं किया होता. इसलिए लास्ट टाइम अपनामेंटर.com ने क्या किया था, टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे फर्स्ट ग्रुप पे वी इंट्रोड्यूस टेस्ट सीरीज, और इसमें हमने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज इंट्रोड्यूस किया था अलॉन्ग विद 100 marks. एंड स्टूडेंट्स ने बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया. एंड दैट इज वाई दिस टाइम अगेन वी आर कमिंग अप विद टेस्ट सीरीज फॉर बोथ ग्रुप्स. 8 सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज आने वाले हैं, और हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, 100 marks के टेस्ट भी होंगे, जबरदस्त इवेल्युएशन होगा, ओवरऑल कमेंट्स दिए जाएंगे, ओवरऑल इवेल्युएशन दिया जाएगा. एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग दैट अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो. साथ ही साथ अपना mentor.com आपके लिए लाने वाला है फ्री मेंटरिंग सर्विस, फ्री मेंटरिंग सर्विस. तो इस फ्री मेंटरिंग सर्विस में बहुत सारी चीजें आपको फ्री में असिस्ट किया जाएगा अपने मेंटर की टीम के द्वारा. जैसे कि आपको अपने पढ़ने का शेड्यूल कैसे बनाना है, आपने पढ़ाई का शेड्यूल कैसा रखना है, आपने पढ़ाई का शेड्यूल कैसा रखना है, आपने कौन से टीचर से क्लासेस लेनी है. अब हमारा जो पोर्टल है वो इतना अनबायस पोर्टल होगा इस चीज़ में कि ऐसा हो सकता है कि आपने पूछा सर मुझे ऑडिट में कौन से टीचर की क्लासेस लेनी है, और इसके अकॉर्डिंग अपना रिक्वायरमेंट ले डाउन कर दोगे. हो सकता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारे पोर्टल से जो सजेशन मिले उसमें मेरा नाम इंक्लूड ना हो, और वो टीचर हो सकता है हमारे पोर्टल में ही इंक्लूड ना हो. सच ए अनबायस पोर्टल अपना मेंटर इज गोइंग टू बी, राइट. तो आपको पेंडेंट क्लासेस का सजेशन मिलेगा, आपको अपने शेड्यूलिंग का सजेशन मिलेगा, आपको फ्री मेंटरिंग सर्विसेज मिलेंगी, आपको फ्री वॉइस क्लिप्स मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग चालू करने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी ए पेड सर्विस बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन. ये सारा सर्विसेज अवेलेबल होगा अपना mentor.com में, दैट इज फ्रॉम January 19 ऑनवर्ड्स. और मेरे वॉइस क्लिप्स के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपने मेरा जो MCQ का कॉन्सेप्ट है उसको मैं पोल के थ्रू लाने वाला हूँ. दैट इज आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस एवरी वीक, एवरी 2-3 days, एंड आप पोल्स में पार्टिसिपेट करने वाले हो, अपने व्यूज देने वाले हो, देखेंगे कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, बहुत मजा आएगा. तो ये सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, दैट इज ऑडिट सागा बाय सानिध्य सराफ. सो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लिंक. एंड अगर बाय चांस आप उस लिंक से ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो एक मैनुअल नंबर भी दिया जाएगा, आप वहाँ व्हाट्सअप कर देना और वहाँ से आपको एक मैनुअल लिंक मिल जाएगा. क्लियर है? So that is all for now. We'll be coming up with a lot more videos. We'll be coming up with a lot more resources. Stay tuned. May 19 के लिए बहुत कुछ आना बाकी है. बस आप यूं ही इस तरीके से अपना blessings, अपना support बना के रखो. And definitely we are going to come with a lots and lot of resources for you all. Love you all. All the very, very best.